किसी भी नई जगह पे जाने से पहले हम उस जगह के बारे में कितना कुछ रिसर्च करते हैं, यूट्यूब और इंस्टा पे उसके रील्स देखते हैं, आइटनरीज ढूंढते हैं, उसके ऊपर प्लान बनाते हैं, ताकि वहां पे जाके हर वो चीज कवर कर सकें जो हमने प्लान किया था। बनारस जाने से पहले मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा था। इंस्टा पे स्टोरी डाल दी कि मैं बनारस जा रहा हूँ, तो 10 दोस्तों का सजेशन आ गया कि सत्या, मणिकर्णिका की एनर्जी बहुत अलग लेवल की होती है, फील करना उस एनर्जी को। शाम को गंगा घाट पे बैठना, वहाँ की हवाओं में सुकून है, और बनारस की गलियां तो कभी मिस मत करना। बहुत हिंदी मूवी शूट हुई है वहाँ पे, तुम्हें बॉलीवुड वाली फील आएगी। सबकी बात सुनके मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। और यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है कि आप एक बनारस का वीडियो देखोगे आपको 10 और ऐसे वीडियो सजेस्ट करेगा कि बनारस कहूँ तो सुकून समझना, मैं इश्क लिखूँ तुम बनारस समझना, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझ पे। तो इंटरनेट पे ये सो कॉल्ड एस्थेटिक बातें सुन के मेरा जो एक्सपेक्टेशन बना था बनारस के बारे में, ये लेके जब मैं बनारस पहुंचा, सॉरी टू ब्रेक दिस परसेप्शन दोस्तों, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। हर शाम को मैं घाट पे जाता था, बैठता था वहां पे 1-2 घंटे, सोचता था कि सुकून मिलेगा, पर सिर्फ शोर और बोट इंजन के साउंड के अलावा और कुछ नहीं सुनाई देता था। रात को जाता था मणिकर्णिका, ये सोच के कि कुछ अद्भुत एनर्जी फील होगी वहां पे जलती चिताओं को देख के। घंटों बैठा रहता था पर मुझे कुछ नहीं फील होता था। मुझे लगने लगा कि शायद कुछ कमी है मेरे में, पूरी दुनिया को एनर्जी फील होती, मुझे क्यों नहीं हो रही। दिन में जाके बनारस की गलियों में भटकता था ये सोच के कि बॉलीवुड वाइब्स फील आएगी, पर कुछ नहीं हुआ यार, कुछ भी फील नहीं हुआ। ऐसा लगा कि मतलब जो इंस्टाग्राम पे देख के आए थे, यूट्यूब पे वीडियोज देख के आए थे, आइटनरीज प्लान बना के कि सुकून और इश्क लिखूं तो बनारस समझना, ये वो, मुझे कुछ क्यों नहीं फील हो रहा। और वो कहते हैं ना कि जिंदगी की एक रीत है, जिस चीज के पीछे भागते रहोगे वो नहीं मिलेगी, और जैसे ठहर जाओगे तो हाथ में आ जाती है। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर ये है अखिल। घाट के पास जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ था ये मुझे वहीं मिला। जनाब एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। ये जितनी भी आप फोटोग्राफ देख रहे हैं सब इन्होंने क्लिक किए हैं। और ये पिछले 7 साल से हर साल 2-3 महीने के लिए बनारस आता है। पता नहीं, कुछ तो इसका बहुत इंटेंस लव स्टोरी है बनारस के साथ। अखिल की एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने काफी दिन से नोटिस कर रहा था कि वो बनारस में कहीं पे भी जाए जाता खाली पैर था। घाट पे हो या रास्तों पे, पूरे बनारस में मैंने जितनी बार उसे देखा है बिना जूते के ही देखा। ऐसा नहीं कि उसके पास जूते नहीं है इसलिए वो नहीं पहनता, बस वो पहनता ही नहीं है। तो एक दिन मैंने इसको इसके पीछे का कारण पूछा, तो अखिल का जो जवाब था वो काफी इंटरेस्टिंग था। उसने कहा, हिंदू धर्म में घर को मंदिर के समान माना जाता है, जहाँ भगवान जी का वास होता है, और जब हम अपनी भक्ति को लेके मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर की परिक्रमा भी खाली पैर ही करते हैं। घर और मंदिर जैसी पवित्र स्थल जो पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है, ऐसी जगह पर जब हम खाली पैर रमण करते हैं तो वो हमारे बॉडी एंड सोल को इनेबल करती है टू अब्सॉर्ब दैट एनर्जी। और काशी तो है ही महादेव की नगरी, ऐसी पवित्र जगह जहाँ पे कोने कोने पे महादेव के नाम का जयकारा लगता है। उस जगह की अहमियत, एसेंस और अर्थिंग को आप तभी महसूस कर सकते हो जब यहाँ पे आप खाली पैर चलोगे। Different kind of energy where you can feel Shiva at every place. Respect or gratitude, I feel whole Kashi is the temple. Banaras is temple. That's why you walk barefoot. Yes, that's the only way I can feel energy into my body. अखिल के इस जवाब ने कुछ तो बदलाव जरूर लाया था मेरे अंदर, वरना मैं जो बिना जूतों के घर से कभी बाहर नहीं निकलता, अगले दिन पूरा बनारस खाली पैर घूमने निकला था। मैं अपने जिंदगी में कभी ऐसे किसी जगह पर खाली पैर इतना नहीं चला हूं जितना बनारस में चला। और अखिल की बात झूठ नहीं थी, कुछ तो ऊर्जा थी वहां की मिट्टी में जो मुझे अपने शरीर में महसूस हो रहा था। जहां ऐसी दैवी शक्तियों का अनुभव महसूस होने लगे ना, वहां शब्द खत्म हो जाते हैं। आप मौनता को भी सुन सकते हो वहां पे। मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। उसी मौनता को मैं दिल में धारण किए पूरा बनारस फिर से घूमता हूँ, इस बार खाली पैर। इस बार मैं ये नहीं सोच रहा था कि मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा, मेरे अंदर कुछ कमी है कि नहीं, क्योंकि इस बार कोई दैवी शक्ति थी जो मुझे खींच ले जा रही थी। हर गलियों में, हर घाट में, दशाश्वमेध के दिव्य आरती से लेके मणिकर्णिका के मोक्ष तक,
विश्वनाथ जी के दरबार से लेके काशी के कोतवाल तक हर जगह मैं बस खींचा चला जा रहा था। बस इतनी सी कहानी थी मेरी। एक शहर था जो सुकून से भरा हुआ था। वो गलियां थी जिसके हर कोने में महादेव के नाम का जयकारा लगता था। कुछ लोग थे जो जाने अनजाने में मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी सीख दे चुके थे। वो सारे घाट थे जहां हर शाम को कुछ किरदार इकट्ठे होते थे अपनी कहानियां सुनाने के लिए। और एक मणिकर्णिका का घाट था जहां न जाने कितनी कहानियां राख हो चुकी थी। और एक हम थे जिसकी कहानी में अब भी आग बाकी थी। पर तब तक इस शहर से जाने का वक्त आ चुका था। हम शायद रुक सकते थे और भी कहानियां ढूंढ सकते थे, पर अभी नहीं। अभी इस शहर से मिली ऊर्जा को लेके आगे बढ़ने का समय था। वो ऊर्जा जिसमें अपने अतीत को सामना करने की और अपने भविष्य को हंस के गले लगाने की क्षमता थी। पर लौटेंगे किसी रोज उसी गंगा किनारे एक नए किरदार से मिलने को, महादेव के नाम का जयकारा फिर से लगाने को, बनारस की गलियों में फिर से दौड़ जाने को। लौटेंगे किसी रोज़।